Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सुमेरा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे फैमिली में और दो न्यू मेंबर ऐड हुए हैं। ये छोटे किटन्स प्यारे प्यारे अभी सिर्फ एक दिन के हैं। मैं आप लोगों से हर वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो भी मेरे लाइफ में होता है। तो ये वो नए किटन्स हैं जो अभी न्यू बॉर्न है, एंड मेरे बाकी के सारे किटन्स वो सब आसपास हैं। मैं उन लोगों को भी आपको दिखाऊँगी। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी। एंड हाँ, ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद आप लोगों को बताना है कि हमें अब जो किटन्स हमारे बड़े हो गए हैं और न्यूबॉर्न है जो ऑलरेडी बड़े हुए हैं, उन्हें हमें अभी कैसे उनकी केयर करना है और उन्हें अभी क्या क्या देना है। सो बेसिकली अभी मेरा मोटिव है, जो मेरे बंगाल किटन्स हैं वो बड़े हो गए हैं और मुझे उनको करना है आज डीबॉर्न। सो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि इन लोगों को कैसे दूँ, क्योंकि ये देखो इनकी मदर भी यहीं पर है और मुझे इनको ट्रिक से, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट डीवॉर्मिंग है और बहुत ही ट्रिक के साथ मुझे इन लोगों को देनी पड़ेगी। तो मैंने ले लिया है क्रीमी ट्रीट मैं, जिसमें इन लोगों को एड़ा बना के डीवॉर्मिंग करने वाली हूँ। सो ये बहुत ईजी ट्रिक है, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं डायरेक्टली उनको दूँ, बट अभी वो मुझे बहुत स्क्रैच कर देंगे क्योंकि नेल्स उनके मैंने ट्रिम नहीं किए। इस वजह से मैंने उनके वेट के हिसाब से मेडिसिन ले ली और मैंने उनको एक एक करके, जैसे अभी मेरा मेल है उसको मैंने ट्रीट में मिला के ये मेडिसिन खिला दी, एंड फाइनली मेरे मेल ने ये मेडिसिन खा लिया। और अब जो मेरी दो फीमेल किटन्स बची हैं मैं उनको भी ऐसे ही दे दूंगी। और हाँ, मैंने ये सबके मेजर करके ही सबको मैं दे रही हूँ। अपने हिसाब से नहीं दिया जा सकता है डीवॉर्मिंग की मेडिसिन, ना हमें कम देनी है ना हमें ज़्यादा देनी है, बट हमें प्रॉपर वेट करके देना है। ये हेल्थ में बहुत मतलब किटन्स को हमारे बहुत ज़्यादा हेल्दी करेंगे, इसीलिए हमें डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको डीवॉर्मिंग रिलेटेड और वीडियोस चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने बनाया है, आप उसको जाके देख लीजिए। सो ये अभी हमारी जो दो फीमेल्स बची, अभी उनको हम मुझे डीवॉर्मिंग करनी है। अडल्ट को मैं एक ही को करूँगी, क्योंकि मेरी जो बंगाल कैट है उसका टाइम आने का है डीवॉर्मिंग का। अभी फ़िलहाल मेरे उसके जो दो किटन्स हैं मैं उन्हीं को पहले डीवॉर्मिंग कर दूँगी, और दो वो फीमेल ही बची है। सो इस तरीके से मैंने फ़ीमेल को भी डीवॉर्मिंग की मेडिसिन दी और उसने भी ट्रिक के हिसाब से खा ली। हाँ, थोड़ा नाटक ज़रूर करते हैं ये लोग, कभी कभी सिर्फ ट्रीट पे फोकस करते हैं और मेडिसिन हटा देते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं। बट अभी मैंने जैसा सोचा था वैसा हो गया, और जो मेरी लास्ट फीमेल बची है मैं उसको भी इसी तरीके से डीवॉर्मिंग कर दूँगी। डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, इनकी लाइफ में बहुत असर पड़ता है। जो किटन्स हेल्दी नहीं होते हैं वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वॉर्म्स परेशान करते हैं इनको, जिस वजह से ये वेट लॉस करते हैं और इनकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है, रिंग वॉर्म्स आना शुरू हो जाते हैं। मेक श्योर कि अगर कोई भी कैट फंगल इन्फेक्टेड है या आपको रिंग वॉर्म दिख रहे हैं तो पहले आप उसको डीवॉर्मिंग कीजिए। तो इस तरीके से मैंने मेरे बंगाल किटन्स को कर दिया डीवॉर्म। अब मेरी जो अडल्ट कैट्स है, जो ऑलरेडी जिसके किटन्स 1 मंथ ओल्ड हो चुके हैं, मुझे उसको देना है, क्योंकि मैं 15 डेज बाद उसको दे नहीं पाई थी, इसलिए मैं 1 मंथ में उसको डीवॉर्मिंग कर रही हूँ। मैंने स्पॉट ऑन ज़रूर यूज़ किया था 1 महीने पहले, इसीलिए मैंने उसको डीवॉर्मिंग थोड़ा डिले किया, और अब मैं इसको मेडिसिन के थ्रू डीवॉर्मिंग दे दूँगी। एंड मेरी फ़ीमेल तो बहुत ही चालू है, वो ज़रा सा भी नाटक नहीं करती है, उसको सिर्फ ट्रीट चाहिए और वो ट्रीट में आप कुछ भी दे दो वो खा लेती है। सो मैं डीवॉर्म कर ही रही थी कि हुआ ये कि बंगाल कैट ने, जो किटन है उसने ट्रीट के चक्कर में मेरी उंगली को बाइट कर दिया ज़ोर से, काफ़ी ज़ोर से। बट हमें ध्यान रखना है अगर हम ऐसा रिस्क ले रहे हैं बंगाल कैट के साथ, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और खाने के लिए फट से दौड़ पड़ते हैं। तो हमेशा ये चीज़ पे ध्यान रखना कि अगर बंगाल कैट को ट्रीट दिखा रहे हो तो वो फट फट खा जाएगा और आपके हाथ पे लग सकती है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है और वो फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, जिस वजह से वो हमें बाइट कर सकते हैं। बट ऐसा हर किसी नहीं होता है, मतलब जब हम ट्रेन किटन्स होते हैं जिनको आदत होती है वो नहीं करते हैं। ये अभी फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं इन लोगों को प्योर फूड पे रखी हूँ, अभी ट्रीट में इनको देना शुरू की हूँ, इस वजह से वो इतने ज़्यादा क्यूरियस है कि ये क्या नई चीज़ है और अलग अलग है, तो वो जल्दी खाने की कोशिश करते हैं। बाकी वेल ट्रेन किटन्स हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें से हम बच जाते हैं।
तो कोशिश करिए कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो डी वॉर्मिंग बंगाल कैट्स के साथ, तो हाथ हाथ बचा के। बाकी तो पोशन ये सारी चीज़ें करते नहीं हैं। छोटे किटन्स को भी अभी मैं धीरे धीरे ट्रीट्स की आदत लगा रही हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हमें इनको ट्रीट्स देना शुरू करना है, क्योंकि हमें इनको फूड पे लाना है, जो कि मैं अभी धीरे धीरे लेके आ रही हूँ। कभी कभी मेरे जो किटन्स हैं बहुत नाटक करते हैं खाना खाने के लिए, तो अभी मैं बॉयल चिकन भी ट्राई करने वाली हूँ इन लोगों के लिए। फ़िलहाल अभी मैं कुछ ट्रीट्स इन पे ट्राई कर रही हूँ, जिसको ये बहुत ही इन्जॉय करके खा रहे हैं और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मिल्क का थोड़ा मैंने कम कर दिया है, टॉप फीडिंग ये लोग नहीं ले रहे हैं, बहुत ही कम ले रहे हैं, जो मेरे को एक हेल्प कर रही है इनको फूड की तरफ ज़्यादा लाने की। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। हर वो वीडियो देखिए जा के, जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये आपको कैट और किटन रखने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पता है बिल्ली बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी जान पे बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि इन्फॉर्मेशन, आप अगर बिल्ली पाल रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो कि हमें तुरंत क्या स्टेप लेना है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप वेट कौन से वेट को दिखाते हैं। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊँगी, मेरा जो एक वेट है वो वैक्सीन कर आके मुझे मेरे किटन्स को वैक्सीन कर देते हैं, लेकिन मैं अपने कैट्स को नहीं लेके जाती हूँ अगर अनलेस की कोई इमरजेंसी या सर्जरी हो। बट मैं नहीं ले जाती, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ उनको अप टू डेट रखने की, ग्रूमिंग से लेके खिलाने पिलाने से लेके सारी चीज़ें, और जो भी नॉर्मल मेडिसिन है वॉमिटिंग वगैरह की, वो तो मैंने आप लोगों को बताई है, वो हम दे सकते हैं घर पर, या हम होममेड चीज़ों से भी उनको क्योर कर सकते हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वेट के पास जाने से बचूँ, और मैं किटन्स को इतना हेल्दी रखती हूँ कि मुझे मौका नहीं मिलता है जाने का। सो इसी तरीके से इन सबको रखिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।